नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 26 अक्टूबर है और आज सैटरडे का दिन है। इसी के साथ नरक चतुर्दशी की, छोटी दीपावली की, हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन खास है क्योंकि आज आप, जैसे मैं बता रही हूं आपको कि छोटी दीपावली का दिन है और आज के दिन हनुमान जयंती भी है, यानी कि 12 बजे से पहले पहले हनुमान जी को रोट चढ़ाया जाता है, रोट का भोग लगाया जाता है, रोट यानी कि मीठी रोटी। और सिर्फ आज ही के दिन में हनुमान जी की पूजा 12 बजे से पहले की जाती है, यानी कि हमेशा आप देखेंगे कि हनुमान जी की पूजा के लिए सही समय होता है संध्या काल का समय या सूर्योदय से पहले का समय, क्योंकि हनुमान जी पूरे दिन भर भगवान राम की पूजा में विलीन रहते हैं, इसीलिए उनकी पूजा हमेशा संध्या काल के समय की जानी चाहिए। लेकिन हनुमान जयंती का दिन ऐसा माना जाता है जिस दिन उनकी पूजा 12 बजे से पहले आप कर सकते हैं। इसी के साथ नरक चतुर्दशी भी है, यानी कि आज के दिन में यम के लिए दीपक जलाया जाता है। आप संध्या काल के समय चौराहे पर एक चौमुखा दीपक आज ज़रूर जलाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे, बात करेंगे आज के दिन कैसा रहेगा, क्या खास उपाय किए जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के साथ। कार्ड्स निकल रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। आज के दिन में व्यापारियों के लिए समय शुभ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स को हालांकि काफ़ी सारी चीज़ों को सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचना है, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आज अपने डिसीजंस पर स्टिक करें। ऐसा नहीं है बार बार आप अपनी चीज़ों को बदलेंगे, अपने डिसीजंस को चेंज करेंगे। हालांकि जो लोग जॉब में हैं उन लोगों को नए इंटरव्यूज आने वाले हफ्ते में प्लानअप करने पड़ सकते हैं, चीज़ों की जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। एरीज के लिए उपाय ये रहेगा, आज संध्या काल के समय लक्ष्मी चालीसा का पाठ आप लोग जरूर करेंगे। वृषभ राशि, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स कार्ड निकल रहा है। थोड़ी सी कंफ्यूजन जो थी आपकी वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि नए कामों की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आज पैसे को थोड़ा संभाल करके रखें। अगर ट्रैवलिंग करें तो चोरी होने का खतरा हो सकता है। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रखेंगे तो बेहतर रहेगा। टॉरेंस के लिए आज उपाय ये रहेगा, आप लोगों को कोशिश करनी है लाइट ब्लू या लाइटर शेड्स का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में अपने विरोधियों से बचने के लिए आज दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करें। मिथुन राशि, द जजमेंट एंड फाइव ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर खर्चा करने से बचना है। आज बेफिजूल की बातों पर रिएक्ट करने से भी बचना है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके काम के बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड करेंगे। नए कामों की शुरुआत हो सकती है, जो लोग कॉस्मेटिक्स के से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं उनको नई प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। बात करी जाए उपाय की तो आज संध्या काल के समय तुलसी में दीपक जलाना अच्छा रहेगा। कर्क राशि, नाइन ऑफ वॉन्स एंड द टार कार्ड निकल रहा है। बिना वजह की टेंशन, बिना वजह की हड़बड़ाहट आज लगी रह सकती है। कोशिश कीजिए टाइम मैनेजमेंट को सही समय पर सही कार्य को करने का प्रयास करें और हर चीज़ को आप लोग प्रॉपर स्पेस भी दीजिए। आज रिश्तों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी हो जाएगा। उपाय आपको ये करना है कि आज के दिन में चौमुखा दीपक आप चौराहे पर तो जलाएंगे ही, साथ ही में पीपल के पेड़ में भी आज के दिन में चौमुखा दीपक सरसों के तेल का ज़रूर जलाएगा। सिंह राशि की बात करते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है। आज के दिन में फैमिली को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात का डिनर टाइम जो है फैमिली के साथ ही आप लोग स्पेंड करें। इसके अलावा व्यापारियों के लिए थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए फाइनेंशियल पार्ट को लेकर के, किसी को पैसा उधार नहीं देना है। इसके अलावा जो लोग वर्किंग हैं, जॉब में हैं, उन लोगों के लिए आज कोई अच्छी खबर आप लोगों को मिल सकती है अपने सीनियर्स की तरफ से। हालांकि सीनियर्स आप लोगों को आज सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंह राशि वालों को थोड़ा सा गुस्से का ध्यान रखना है। चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइए ज़रूर, और उससे पहले चंदन का तिलक भगवान विष्णु के चरणों में ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि। सिक्स ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। आज के दिन में ध्यान आपको इस बात का रखना है कि थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें, नहीं तो आपके आसपास के लोग आपको, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको डीमोरलाइज कर सकते हैं, पुराने रुके हुए काम दोबारा से स्टार्टअप हो सकते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। ट्रैवलिंग्स दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। उपाय की बात करी जाए तो आज हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज़रूर कीजिए, कुछ भी ग्रीन कलर अपने साथ ज़रूर रखिए। साथ ही साथ में आज संध्या काल के समय विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिब्रंस की। द मजिशियन एंड नाइन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। पुराने मित्रों से आज मुलाकात हो सकती है, गेट टुगेदर्स दिखाई दे रहे हैं। आज जो संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लोगों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आज ट्रैवलिंग्स करना अच्छा नहीं रहेगा, सेहत का ध्यान रखिएगा। तुला राशि वाले जो लोग हैं, आज आप लोगों को करना ये है कि सुबह उठ करके लक्ष्मी चालीसा का पाठ ज़रूर करें।
आगे बढ़ने हैं। स्कॉर्पियोज द चैरियट एंड द लवर्स कार्ड निकल रहा है, रिलेशनशिप्स को लेकर के थोड़ा कॉशियस रहिए। ऐसा नहीं है आप कुछ भी बोल जाएंगे और सामने वाला आपकी बातों पर रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए उम्मीदें थोड़ी कम रखेंगे और आज अपनी तरफ से इनपुट ज़्यादा देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि आज का दिन जो है आपके लिए आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट करने से थोड़ा सा पीछे हटेंगे, तो अपनी बातों पर एक स्टैंड लीजिए और सेल्फ डिपेंडेंसी आज ज़रूरी है। स्कॉर्पियोज के लिए आज का जो दिन रहेगा थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी रहेगा। उपाय की बात की जाए तो आप लोगों के लिए आज के दिन में पीले रंग की चीज़ें आज भगवान विष्णु को अर्पित करना अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि। 10 of Cups and 3 of Cups कार्ड निकल रहा है, सपोर्ट आज आपको हर जगह से मिल रहा है, साथ ही साथ में नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी आज का दिन शुभ रहेगा, यात्राएं आज के दिन में नज़र आ रही हैं। आज धनु राशि वाले लोगों के लिए कोशिश करनी है आप लोगों को कि भगवान विष्णु की पूजा करनी है और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करनी है और भगवान विष्णु को तुलसी दल ज़रूर अर्पित करेंगे। मकर राशि 4 of Cups and 9 of Swords कार्ड निकल रहा है, कामों में अवरोध पैदा करने के लिए आज आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो अधिकारी हैं वो थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं या किसी तरह की कोई ऑब्स्टैकल्स डाल सकते हैं। आज कोशिश करना है कि किसी भी तरह के वाद विवाद से आप लोग बचेंगे, फिर चाहे आपके विरोधी हों चाहे आपके सीनियर्स हों, हर किसी से पोलाइटली या सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे तो बेहतर रहेगा। मकर राशि वालों को आज सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है, साथ ही साथ में ट्रैवलिंग्स कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा संध्या काल के समय किसी से भी उधार लेने से बचेंगे। बात करी जाए उपाय की तो आप लोगों के लिए आज शनि स्रोत का पाठ करना अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि। 2 of Cups and 3 of Wands का निकल रहा है, पार्टनरशिप में काम करना आज आपके लिए लाभदायक हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है और जो लोग लॉ फॉर्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए नई तैयारी या फिर नई प्लानिंग्स आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। सपोर्ट आपको हर जगह से मिलेगा, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। उपाय की बात की जाए तो कुंभ राशि वाले जो लोग हैं आज संध्या काल के समय अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दीपक ज़रूर जलाएंगे और एक दीपक अपनी रसोई में अपनी किचन में ज़रूर जलाएंगे। मीन राशि 7 of Swords and the Emperor कार्ड निकल रहा है, आज आपके डिसीजंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हालांकि लोग भी आपके बात की आपकी कामों की सराहना करेंगे, एक तरह से आइडल लोग आपको मान सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पर्सनल फ्रंट पे तो आप लोगों को हर तरह से प्रयास करना पड़ सकता है। अपनी मदर फादर को लेकर के थोड़ा सा उनकी सेहत को लेकर के सतर्क रहेगा। ट्रैवलिंग्स करते समय अपने सामान का ध्यान ज़रूर रखेगा। उपाय की बात की जाए तो आज तुलसी में दीपक जलाना अच्छा रहेगा और तुलसी का एक दल शालिग्राम जी पर अर्पित करना भी आपके लिए अच्छा है। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। छोटे दीपावली की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए चार साथ लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।